खबर दुनिया में इस समय हो गया है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का। चलिए डालते हैं नजर जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मजदूर जो कि दूसरे राज्यों में फंस गए थे, अब उन्हें लाया जा रहा है हरियाणा राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की बसों के माध्यम से जनपद बुलंदशहर के पुराने बस स्टैंड पर लाया गया। वहां पर जिला अधिकारी रविन्द्र कुमार ने पुराने बस अड्डा बुलंदशहर का निरीक्षण करते हुए जो मजदूर आए हैं उनकी सभी जानकारी ली। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य परीक्षण को भी कराया गया, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और एक भी चूक भारी पड़ सकती है। जनपद में आए प्रवासी मजदूरों को खाना और अन्य सुविधाएं भी इस दौरान प्रदान की गई। आपको बता दें कि यहां पर सभी मजदूरों को इकट्ठा करके बाद में उनके क्षेत्र के हिसाब से उन्हें अलग अलग करके अलग अलग बसों के माध्यम से भेजा जाएगा। हरियाणा रोड में कितनी बसें आई हैं सर, जो यात्री हैं वो कौन लोग हैं और कैसे उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले जितने भी मजदूर हैं उनको जनपद बुलंदशहर भेजा जा रहा है। प्रत्येक दिन आज से शुरू होकर एक सप्ताह तक प्रतिदिन 50 बसें आएंगी और बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजी जाएंगी। इसी तौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो हरियाणा में लेबर भेजे जाने हैं, वहाँ की लेबर हैं, वो भी विभिन्न जनपदों से बसों के माध्यम से बुलंदशहर आएंगी। दोनों जगह के लिए हमने दोनों तरह की बसों के लिए अलग अलग बस अड्डा तय किया है। जो हरियाणा से बसें आ रही हैं वो हम लोग पुराने बस अड्डे में खड़े हैं और जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बसें आ रही हैं वो नए बस अड्डे में जाएंगी। तो हरियाणा से जो बसें आएंगी यहाँ पर लेबर उतार के यहाँ से नए बस अड्डे में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मजदूरों को उसमें लेकर हरियाणा। सर, इन बसों के माध्यम से लगभग कितने पैसेंजर आ जा चुके हैं? देखिए, अभी तक 19 बसें आ चुकी हैं और जनपदों के अनुसार, चूँकि बस में मिनिमम 10 से 15 लोग होने चाहिए और हम लोग मैक्सिमम 25 से 30 लोग भेज रहे हैं, तो जैसे ही एक जनपद का या उस रूट के आदमी आ जाते हैं हम लोग भेज रहे हैं। 19 बसें आ चुकी हैं और 6 जा चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? आप देख रहे हैं कि जितने भी मजदूर हैं सबके लिए खाने पानी की व्यवस्था है, सबका हेल्थ स्क्रीनिंग किया जा रहा है और अन्य भी कुछ दिक्कतें हैं, शौचालय की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लोगों से भी मैंने कुछ से पूछा है तो संतोषजनक ही उत्तर दिया गया और आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग स्थिति को बेहतर समझ।